हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मन की बात। हम हाजिर एक और वीडियो में। अब आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र के बारे में। बहुत दिन के बाद ये डायलॉग बोल के बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक्साइटिंग एंड ब्रेकिंग न्यूज जस्ट कमिंग इन। ब्रह्मास्त्र पार्ट टू एंड ब्रह्मास्त्र पार्ट थ्री दोनों के रिलीज डेट अयान मुखर्जी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिए हैं। अब ये थोड़ा सा लेट है, जो कि पहले उन्होंने ब्रह्मास्त्र के रिलीज के टाइम बताया था कि हम लोग ब्रह्मास्त्र पार्ट टू जो है 2025 के क्रिसमस में लाने का कोशिश करेंगे, एंड उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली शूट करेंगे पार्ट थ्री को भी। ये तो वो बहुत पहले ही क्लियर कर चुके थे, और बहुत जल्दी वो भी निकालेंगे पार्ट थ्री। तो उससे एक साल ऑलमोस्ट डिले है, क्योंकि हम सबको पता है कि वैसे बड़े बड़े फिल्मों में ऐसे छोटे छोटे डिलेज होते रहते हैं। सो फाइनली ऑफिशियल रिलीज डेट ऑफ ब्रह्मास्त्र पार्ट टू यानी कि देव इज नाउ क्रिसमस यानी कि दिसंबर 2026 में आएगी, एंड पार्ट थ्री जिसका की टाइटल अभी नहीं बताया गया है, अभी सस्पेंस में रखा गया है, क्योंकि वो हमको लगता है सेकंड पार्ट खत्म होगा तब जाके रिवील होगा। तो वो आएगी क्रिसमस यानी दिसंबर 2027 में। ये दोनों फिल्में हम लोग को एक साल के इंटरवल पे देखने को मिल जाएगी, एंड आई एम वेरी 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 एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी। और इसी के साथ एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी उन्होंने शेयर किया है कि बहुत जल्दी हम लोग इस पे काम भी शुरू करेंगे, स्क्रिप्टिंग हो चुका है, एंड शूटिंग हो सकता है अभी डिले हो, अभी इतना जल्दी शूटिंग शुरू ना हो इसका, क्योंकि अयान मुखर्जी जो है एक और फिल्म डायरेक्ट करने वाले हैं इसके पहले। अब हाँ, उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह में सब कुछ में ये बताया था कि शायद हो सकता है मेरा पूरा लाइफ अब एस्ट्रोवर्स में ही चला जाए, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आया है उनके पास, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आया है जो कि अभी उन्होंने रिवील नहीं किया है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मतलब एक यूनिवर्स का ही हिस्सा हो सकता है। बहुत ही एक बड़ा एक्शन फिल्म को वो डायरेक्ट करने वाले हैं, उस पर जब क्लैरिटी मिलेगा, कंफर्मेशन मिलेगा तो आपको जरूर बताएंगे। लेकिन वो जो है वो अभी डायरेक्ट करेंगे, उसके बाद वो ब्रह्मास्त्र के जो ट्रायोलॉजी के अलग दो पार्ट्स हैं उस पर जाएंगे। तो अब देखते हैं वो कब शुरू होती है, बाकी जो प्री प्रोडक्शन है वो सब चलेगा, और 2026 में होपफुली कि यहाँ से कोई डिले नहीं हो, 2026 में निकल जाए दिसंबर में, इसके बाद और कोई डिले नहीं हो, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में डिले जो है वो होते रहते हैं और बार बार होते हैं। ब्रह्मास्त्र पार्ट वन ही कितना बार डिले हुआ था, कितना ज्यादा उसका रिलीज पोस्टपोनमेंट हुआ था, वो हम सबको पता है। बट आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट ब्रह्मास्त्र, क्योंकि हम पार्ट वन को लेकर भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, एंड ब्रह्मास्त्र की टीम स्पेशली अयान मुखर्जी एक ऐसे रहे हैं जो कि उन्होंने हर कुछ क्रिटिसिज्म को बहुत अच्छे से बहुत ही स्पोर्टिंगली लिया है। उन्होंने हर बार ये मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे फिल्म में सब कुछ ठीक है, वो वाला एटीट्यूड नहीं रहा है उनका। हमेशा उन्होंने ग्लीफुली एक्सेप्ट किया है कि हाँ डायलॉग्स नहीं थे सही, नहीं लगे सही, ठीक है लव स्टोरी थोड़ा ज्यादा हो गया, या फिर हम लोग और बेटर कर सकते थे हमेशा। तो एक तरह से कंस्ट्रक्टिव जिस तरह का उनको क्रिटिसिज्म मिला उसको कंस्ट्रक्टिव वे में उन्होंने लिया है, और बहुत सारे फैन मेड थ्योरीज और ये सब को लेके अभी वो फिर आज इसमें काम कर रहे हैं। तो काफी एक्साइटिंग है। अब देखते हैं देव का अनाउंसमेंट कब होता है, क्योंकि उसमें भी अभी समय है, क्योंकि हमको लगता है इतना जल्दी तो वो लोग अनाउंस नहीं करेंगे कि हु इज देव, या हो सकता है लास्ट लास्ट तक सस्पेंस हो, पता नहीं, जब टीजर ट्रेलर आएगा तब तो क्लियर करना ही पड़ेगा उनको। बट मेरे हिसाब से तो रणबीर कपूर ही देव होने वाले हैं, अब देखते हैं। सो आप कितने एक्साइटेड हो ब्रह्मास्त्र के पार्ट टू के लिए, ब्रह्मास्त्र के पार्ट थ्री के लिए, जो भी आपके राय है, जो भी आपके थॉट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ताकि कोई भी वीडियो कोई भी अपडेट आए आपसे मिस ना हो जाए। कुछ और बात करनी है, इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां भी मैसेज कर सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।